अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें फिज़िक्स के जो गेस्ट हैं वो प्रोवाइड करने लगी हूँ। और ये गेस्ट पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो चाहे तो ग्रुप वन से बिलोंग करते हैं या ग्रुप टू से, जो उनसे भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स इन गेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। हर चैप्टर के अगेंस्ट मैं आप लोगों को आज शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊँगी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो अभी आप लोग जस्ट अपने शॉर्ट क्वेश्चन नोट डाउन करें या मार्क करना चाहते हैं तो मार्क कर लें, कोई इशू नहीं है, जैसे आप लोगों को इजी लगता है आप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 से ऑनवर्ड आप लोगों के टोटल चैप्टर 21 तक हैं और हर चैप्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं क्वेश्चन जो कि आप लोगों के स्क्रीन पर भी शो हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोग अपने चैप्टर नंबर 12 पर आ जाएँ तो यहाँ पर टोटल आप लोगों के 4 क्वेश्चन हैं। उसके अलावा आप लोगों को नीचे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट देख लें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई? रीज़न आपने बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन? इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, गिव सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन कूलम्ब एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास एम इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शंस विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन? नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देख लें जो कि आप लोगों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी डेफिनेशंस आपने करनी है, वो है कूलम्स लॉ, गॉजेस लॉ, एब्सोल्यूट पोटेंशियल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसके बाद एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं करना आपने, उसके बाद 8 एंड 9। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट के लिहाज से, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट अब आप लोग अपने चैप्टर नंबर 13 पर आ जाएं। फर्स्ट है आपके पास, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद द टेम्परेचर? सेकेंड क्वेश्चन, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? थर्ड क्वेश्चन देख लें, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वाट 220 वाट लाइट बल्ब्स देन इन अ 100 वाट 220 वाट बल्ब? ये आप लोगों के पास एक न्यूमेरिकल टाइप स्टेटमेंट है, इसे आप लोगों ने बताना है इसका सॉल्व करके कि आंसर के क्या जो ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये करेक्ट है या रॉन्ग, या ऐसा होता है या नहीं। आप लोगों ने अगर होता है तो इसकी रीज़न भी एक्सप्लेन करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ सर्किट दैट विल गिव कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। अब एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन पे आ जाएं तो वो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 9 है। चैप्टर नंबर 14 पे, व्हाई डज द पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन बिकम डिसॉर्टेड when a magnet is brought near the screen? Second question hai, how can you use a magnetic field to separate isotopes of chemical element? Isi tarah aap logo ke 3rd, 4th and 5th questions hai jo ki aap logo ko screen pe display ho rahe hai, aap log just inhe note down ya mark kar dein. Next exercise ke questions mein aap logo ko bata deti hu ki wo kaun se hain jo ki important hai, वो आप लोग देख लें। 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 एंड 14। नेक्स्ट आ जाएं आप लोग चैप्टर नंबर 15 की तरफ, यहाँ पे आपके पास गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट? सेकेंड क्वेश्चन है, शो डैट हैव द सेम यूनिट।
ये आप लोगों के पास सेकंड क्वेश्चन शो हो रहा है, आप लोग भी चेक कर लें और इसे मार्क कर दें। थर्ड क्वेश्चन है, कैन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज द पावर लेवल। इसी तरह आप लोगों के पास 4, 5, 6 है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट, अब आप लोग अपने चैप्टर नंबर 16 पे आ जाएं। इसका आप लोगों के पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आ सिनोसोइडल करंट हैज IMS वैल्यू ऑफ 10 ए मतलब एम्पेयर, व्हाट इट्स द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज डबलिंग द फ्रिक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ द रिसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सेलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। चैप्टर नंबर 17 पे आ जाएं। फोर क्वेश्चंस गिवन है, फर्स्ट देख लें, डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, व्हाट आर देयर SI यूनिट्स। सेकेंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ड्यूक्टाइल एंड ब्राइटल सब्सटेंसेस, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच। इसी तरह थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी आप लोग मार्क कर लें। नेक्स्ट आप लोग चैप्टर नंबर 18 की तरफ आ जाएं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज नेट चार्ज ऑन अ एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंसेस। सेकंड क्वेश्चन, द एनोड ऑफ डायोड इज 0.2 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, इज इट फॉरवर्ड बायस्ड। थर्ड क्वेश्चन देखें, Why is the photodiode operated in reverse biased state? Next आ जाएं चैप्टर नंबर 19 की तरफ। टोटल 5 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द स्पीड ऑफ लाइट वॉज इन्फिनिटी, वॉट वुड द इक्वेशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिड्यूस टू। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट हैपन्स टू द टोटल रेडिएशंस फ्रॉम a black body if its absolute temperature is doubled। थर्ड, फोर एंड फाइव, अब आप लोग स्क्रीन से देख के नोट डाउन कर लें। चैप्टर नंबर 20 पर आ जाएं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लें, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट द एटम इज एक्साइटेड। सेकंड क्वेश्चन, इज एनर्जी कंजर्व्ड व्हेन एन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट। थर्ड क्वेश्चन, What are the advantages of lasers over ordinary lights? अब आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लें चैप्टर नंबर 12 के। चैप्टर नंबर 12 के जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं वो है, फर्स्ट है, आ पार्टिकल विच प्रोड्यूसेस मोर आयनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेटिंग, वाई। सेकेंड, वाई आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल। एंड थर्ड क्वेश्चन है लास्ट, व्हाट फैक्टर्स मेक अ फ्यूजन रिएक्शन डिफ़िकल्ट टू अचीव। इस तरह आप लोगों के टोटल जितने भी 12 से ऑनवर्ड 21 तक चैप्टर्स थे, हर चैप्टर के मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप आप लोगों ने साथ साथ मार्क या नोट डाउन कर लिए होंगे, ताकि आप लोगों को बाद में इनके आंसर्स ढूंढने में कोई प्रॉब्लम या इशू ना हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्द इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।